अब ये है देखो क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, ई वाला। ई में क्या होगा? ई में कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है? NH3+5O2 गिव्स NO+H2O। तो इसमें नाइट्रोजन में कितना होगा यहाँ पे? NH3। तो नाइट्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा? +O2 गिव्स NO+H2O। तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन यहाँ पे N+3 होगा, नहीं, -3, -3 सॉरी सर। ठीक है, -3, तो ये +1, ऑक्सीजन का 0। यहाँ पे कितना होगा नाइट्रोजन? देखो ऑक्सीजन -2 होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन +2 हो जाएगा। अब इसमें नाइट्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ O2 से O -2, सर यहाँ पे रिडक्शन हुआ। हाँ, तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन होगा। जी सर अब नेक्स्ट में जाते हैं। फ्लोरीन रिएक्ट विद आइस एंड रिजल्ट इन द चेंज, जस्टिफाई दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। इस केस में क्या हो सकता है, जो ये दिया हुआ है इसमें H2O+फ्लोरीन गिव्स HF+HOF। अब इसे जस्टिफाई करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। जस्टिफाई का मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूफ करना है कि किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी में रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सबके, पहले क्या होगा बताओ हाइड्रोजन में? सर यहाँ पे +2 हो जाएगा। अच्छा नहीं, 1 के लिए 1, नहीं सर सर और इसका ऑक्सीजन, -2 हाँ, और ये फ्लोरीन, सर फ्लोरीन का +1 +2 हो जाएगा सर। नहीं 0, जी जो भी फ्री स्टेट में होता यस है उसका सर 0 होता है। ओके अब सर। यहाँ पे HF, H का कितना होगा? H+1 होता है, हाँ, और फ्लोरीन, फ्लोरीन से प्लस -1 और यहाँ पे, सर यहाँ पे H+1 हाँ, और O-2 और F-1। नहीं, इसका +1 हो जाएगा। ओके यहाँ ओके पे सर +1 शो करता है। हाँ माइनस का शाइन यस हाँ, सर। तो अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? सर यहाँ पे N2 हो जाएगा ना, ये जो कौन? +1 है हाइड्रोजन का टोटल हाँ चार्ज, हाँ तो सर यहाँ पे फर्स्ट वाले में नहीं, रिडक्शन हो रहा है। वो काउंट तब होगा जब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। यहाँ पे तो एक का देखेंगे ना, तो जैसे एक का +1, यहाँ पे भी +1, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी +1, तो ये यस दो ऑलरेडी हो ही गए, तो इसमें चेंज नहीं है। तो हाइड्रोजन को छोड़ देना आप, जो सेम रहेगा उसके लिए कुछ नहीं है। ओके सर। अब बताओ, सर तो यहाँ पे ऑक्सीजन से देखेंगे फ्लोरीन के चार्ज ऑक्सीजन -2 में क्या है, -2 है लेफ्ट में और राइट में, -2 यस सर तो सेम हो गया, तो सर इसको भी राइट नहीं देखेंगे। यस सर -2 अब फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन को सर यहाँ पे फ्लोरीन में रिडक्शन है फर्स्ट वाले में, हाँ, और सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन है। हाँ, तो एक ही चीज का दोनों चीज हो रही है ना, इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। एन एलिमेंट ओके सर अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, रिडक्शन ठीक है? तो यस ये सर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि
इसमें फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके सर, यस अब सर। क्वेश्चन नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये है आपका कैलकुलेट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन फॉलोइंग। इसमें बताना है कि सल्फर का तो H2S एक्चुअल में क्या होता है, देखो H2SO5 है, तो 5 2 10 और 10 में से डिवाइडेड बाय माइनस एट, टू तो 8 कभी होता नहीं है सर। सल्फर का, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है। तो इसमें क्या होता है, परोक्साइड होता है, सल्फर में यहाँ पे लग जाएगा परोक्साइड, यानी दो ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, तो इसे कहते हैं परोक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 होती है, बाकी 3 ऑक्सीजन बच गए, तो एक में डबल बॉन्ड, एक में OH और एक में फिर डबल बॉन्ड, तो टोटल 2 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। तो जितने 3 बच गए, 3 में डबल बॉन्ड लगा दो पहले, फिर डबल बॉन्ड लगाने के बाद एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटा दो और सॉरी बॉन्ड को हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की वो 6 होती है, जबकि दिखने में कितना लग रहा है, +8 लग रहा है, लेकिन जो 16 ग्रुप होता है उसमें मैक्सिमम 6 होती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसमें एक परोक्साइड बनता है, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परोक्साइड बनेगा, परोक्साइड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगी, तो अगर आपने लिखा +8 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि +8 होता ही नहीं है, +6 होता है मैक्सिमम, तो इसीलिए जो सल्फर होगा इसका +6 होगा और ये एक परोक्साइड है, इसीलिए तो ये आपका है परोक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, काउंट ऑफ दिस इसको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो ये सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, न कि +8, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आता है H2O7 का 2-, यहाँ पे सर CR7 हो जाएगा, CR कितना हो जाएगा, इसमें सेवन 2- पे 2-, टोटल में 2-। हाँ यहाँ टोटल 2- है, CrO7 ऊपर है 2-, सिक्स हो जाएगा। हाँ ये 6 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो CrO Cr, ठीक, बाकी कितने बच गए, ये 6 का 6 ऑक्सीजन, तो 6 को डबल बॉन्ड दिखा दो पहले, ये डबल बॉन्ड 3 इसमें बांट दो, 3 इसमें बांट दो, ठीक। अब इसमें 2- चार्ज है, तो एक बॉन्ड हटाओ -, इसमें दिखा दो, यहाँ भी एक बॉन्ड हटाओ एक -, दिखा दो, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो CR के साथ कितनी बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो CR के साथ कौन सी बॉन्डिंग होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी वही होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यस सर। इसके बाद थर्ड वन आता है NO, NO3, सर यहाँ पे 5 आ रहे हैं। हाँ 5 सही आंसर है। तो 5 में क्या होगा, सर बट एनओ मैक्सिमम थ्री थ्री होते हैं ना। नहीं, वो कोवेलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है, तो 5 के 5 कर सकता है, लेकिन जो ओके कोवेलेंट सर। बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, केवल 4 के साथ बना सकता है,
तो ये है इसका माइनस वन माइनस टू, इसका भी माइनस टू, और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी लगेगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इसमें प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, कोवेलेंसी नहीं करता। कोवेलेंसी का मतलब पांच बॉन्डिंग नहीं बना सकता वो, लेकिन पांच इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए प्लस फाइव तो दिखाएगा लेकिन फाइव कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। ठीक है, यस सर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है फॉर्मूला लिखने के लिए। फॉर्मूला के लिए देखो, वैलेंसी को पहले इसको सिंबल में लिख दो। सिंबल में कैसे लिखेंगे? मरकरी के लिए Hg, Cl के लिए Cl, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, मरकरी का यहाँ पे लिखा हुआ है टू, का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे टू है। अब इसका कंपाउंड बना दो तो क्या बन जाएगा? HgCl2, हाँ ये मरकरी सेकेंड क्लोराइड। ठीक, सेकेंड है टिन, टिन का मतलब SN, स्टेनस। ठीक है, ऑक्सीजन है O, ऑक्सीजन का माइनस टू, टिन का प्लस फोर। अब इसको सिंपल में ले आओ, टू से डिवाइड कर दो, टू टू जा फोर, टू वन जा टू। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? SnO2, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा SnO2। ठीक है, यस सर। अब ऐसे ही थर्ड वन, आयरन थर्ड सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है माइनस टू। आयरन होता है Fe, इसकी वैलेंसी है थ्री। ये जो लिखा है ब्रैकेट में, ये वैलेंसी लिखी होती है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो ये बन गया आयरन थर्ड सल्फेट। ठीक है, यस कुछ सर। चीजें याद करनी पड़ेगी, जैसे सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक, यस अब नेक्स्ट में क्या आएगा? देखो, नेक्स्ट वन इज निकिल सेकंड सल्फेट। अब सल्फेट का मतलब फिर SO4 हो गया, SO4, और इसमें टू माइनस है, निकिल होता है Ni, इसकी वैलेंसी इसमें लिखी है देखो टू प्लस टू, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन जाएगा